हमारे साथ मौजूद है संजू दा। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं चुंडई तक, चुंडई से आगे निकल चुके हैं, हवा चल रही है एकदम, बस और बस में एकदम पूरी प्रॉपर सब सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर दा एकदम मक्खन गाड़ी चला रहे हैं और बाबू भाई हैं, और ये देखिए चाचा जी तो सो चुके हैं। अब यहाँ से रुकनी खाल ज़्यादा दूर है नहीं, तो उसके बाद वहाँ पे थोड़ा चाय पानी के लिए रुकेगी बस, तो वहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे। और ये सूरज की किरणें जो पड़ रही हैं आँखों पर, सीरियसली बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही है। लेफ्ट साइड में जो बांझ के पेड़ हैं एकदम ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं, और जो ये व्यू हमारे आँखों से दिख रहा है, पता नहीं कैमरे से पता चल रहा ना हो, बट बहुत ही सुंदर व्यू है। और दिल्ली की जो गर्मी है वो यहाँ पे ठंड में बदल चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे लग रही है, बहुत ही मनमोहक दृश्य। सीरियसली मज़ा ही आ गया इस ट्रैवल जर्नी में। तो आप आगे बने रहिए, बहुत सारे सुंदर नज़ारे अभी बाकी है। जी आप पहुँच चुके हैं रिकनी खाल में, और यहाँ पे हैं ये बहुत पुरानी शॉप, छोले वगैरह बनते हैं यहाँ पे, तो वो खाते हैं। उसके बाद दोस्त की शादी है बीरू खाल में, एक दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद निकल पड़ेंगे कौसानी के लिए। कौसानी जाएंगे, फिर कौसानी से जाएंगे पिथौरागढ़। इस तरह से ये है रिकनी खाल मार्केट। अभी तो सुबह के मतलब कितने हो रहे हैं, 7 भी नहीं बजे, 6:45। तो ये बस है हमारी आगे, और ये लिया है, हाँ यहाँ रखा टीचर, ये स्पेशल छोले रिकनी खाल के, ये देखिए लेट्स। अब यहाँ से हमारी मंजिल ज़्यादा दूर है नहीं, अब पहुँचने ही वाले हैं हम, और आप देख सकते हैं। और ये पूरी यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, बस को थोड़ा फर्स्ट गियर में चलाना पड़ रहा है, ये देखिए। और ये जंगल वाला व्यू है, और सीधी सड़क, सीरियसली एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा, आँखों से जो आगे बैठने पर जो व्यू दिख रहा है एक नंबर, सीरियसली लिटरली मज़ा ही आ गया यह व्यू देख के, तो आँखें खुल गई हैं पूरी। तो अब पहुंच चुके हैं सिमड़ी कॉलेज में, ये इंटर कॉलेज सिमड़ी है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना हुआ है ये द्वार। और अब हम पहुंचने वाले हैं दुनाओ का जो डैम है उसके पास, और ये पुल के सामने वाटर ओवरफ्लो होता है, आप देख सकते हैं बरसात में अगर आप आएंगे यहाँ पे तो ये पानी आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो दिखेगा, और मतलब ये एक तरह से झरने के रूप में दिखेगा आपको। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर ये देखिए ये सामने ये ओवरफ्लो हो रहा है अभी, और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम मौजूद है बाड़ा गांव में, जो कि बिरूखाल ब्लॉक और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज सूरज भाई की शादी है, और यहाँ पे सभी गाँव वाले पूरी सहायता कर रहे हैं उनके परिवार के साथ। ये देखिए कुछ वेजिटेबल्स काट रहे हैं, कुछ प्याज छिल रहे हैं, तो पूरे धूमधाम से पूरी तैयारी चल रही है सूरज भाई की शादी की। और सूरज भाई के छोटे भाई आते हुए, और ये उनके कुछ कज़न्स वगैरह हैं। और यहाँ से जो वैली का व्यू है बहुत ही शानदार है, और आज जो आसमान है वो काफ़ी साफ़ है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करी है मैंने वैली का, ये देखिए ये वो सामने कमडई गांव है, और ये मेन सड़क, और ये गांव के लिए अभी रोड आ रही है, प्रॉपर आई नहीं है, बट बहुत ही सुंदर, मतलब हरियाली कितनी ज़्यादा है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हमेशा आकर्षित करते हैं मेरे को अपनी तरफ, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी बनाए जा रहे हैं, देखिए ये अरसे बनाए जा रहे हैं,
और पूरियां बनाई जा रही है, ये देखिए। और ये क्या बोल दिए गण? भुजेल बूढ़ा बना रहे हैं यहाँ पे सारी दादियाँ, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें खाने को मिलेगी भुजेल बूढ़िया, ये देखिए, गरम गरम पकौड़ी और तेल में देखिए तल रही है। भुजेल बूढ़ा बनने का प्रोसेस ये है, पहले इसकी देखिए, इसमें तेल लगा के ऑयल लगा के ये बनाया जाता है, इसको फिर बेला जाता है। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस है, एक दादी इसको यहाँ पे गोला बना रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक चाची है, वो उसको हाथ में रख के बेलन से देखिए एकदम। अच्छा, भुजेल बूढ़ा है ये, एक प्रथा का पड़े चलने का नीचे बहुत पुरानी है। अच्छा, अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये ताऊ जी यहाँ पे देखे वेजिटेबल्स को काट रहे हैं, और ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कट चुके हैं कुछ, और ये टमाटो मिर्च, और आपको दिखाते हैं, ये देखिए बुटवा बन रहा है, पहाड़ी बुटवा। अरे सब बढ़िया। चलो
इस ब्लॉग में सारे दिखेंगे यूट्यूब में ना, लाइव नहीं है, मैं बना रहा हूँ, एडिटिंग करके डालूंगा ना, देखना मेरे ब्लॉग देखना, जेम्स रावत ब्लॉग, जेम्स रावत ब्लॉग्स। हाँ मौजूद हैं अभी देवेंद्र सिंह देवू जी हमारे, बढ़िया है। और ये आए हैं अभी अभी आए हैं, जस्ट अभी पहुंचे हैं मुक्कीदा, मुक्कीदा पहुंचे हैं हमें। प्लीज हैव अ सीट सर। बिल्कुल, श्योर श्योर, डेफिनेटली। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और आज अगला दिन है, आज हम बारात में जा रहे हैं और आज हम अपनी भाभी माँ को लेकर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सुनहरी धूप खिली हुई है और साथ में ये वादियाँ और कितनी डेंजर रोड है। मतलब सामने से देखिए गाड़ी वहीं पे खड़ी हो गई है क्योंकि एक बारी में दो गाड़ियाँ भी नहीं निकल सकती है। मतलब पूरी ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग आ रही है सीरियसली। और यहाँ से तो जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है तो काफ़ी आगे तक चलना है। ये देखिए कम से कम 10 से 11 टैक्सियाँ करी थी इन्होंने। तो नीचे एक बार देखिए क्या ही खाई है, मतलब कैमरा तक डालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अगर छूटा अगर कैमरा तो सीधा नुकसान सीधा। फिर ये देखिए कितनी डेंजर सड़कें हैं और ये अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है। तो सीरियसली यहाँ पे मतलब अगर आप चलाना चाहते तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए चलाने के लिए, नहीं तो सीधा खाई में। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ से अब हरियाली भरी हमारे जो होते हैं खेत सीढ़ीदार वो स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ से जो सड़क की कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है। और अब यहाँ से डांग आएगा, सिसई आएगा, फिर हम बिरुखाल होते हुए जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारे। और ये हमारी गाड़ी चल रही है एकदम मक्खन स्मूथली अपनी डेस्टिनेशन की ओर।
तो यहाँ से बारात जाएगी सीधा आपके बड़ेन तक, तो जो घनिया खाल में है आपका और बिरू खाल ब्लॉक में ही आता है और एकदम बॉर्डर से टच पे है बिरू। तो पहाड़ों में जब भी आता हूँ तो एक अपनापन और एक अलग ही खुशी होती है, और हमेशा जब भी पहाड़ों में आता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये पहाड़ मुझे पता नहीं क्यों अपनी तरफ खींचते हैं, और इनमें कुछ तो है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरी जो मंजिल है वो यही मिलेगी। और मंजिल क्या है वो अभी कुछ पता नहीं, परंतु इतना ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ पर आने की खुशी कुछ अलग ही है। अब यहाँ से बड़ेन गाँव ज़्यादा दूर है नहीं, और यहाँ से फिर मैं आपको बारात का व्यू दिखाऊँगा आगे जो होता है किस तरह से। तो ये देखिए पूरा जंगला दे दिया है और यहाँ से हम पहुँचने ही वाले हैं बड़ेन बारात पे। दोस्तों बारात तो अभी लेट आएगी, तो हम अभी पहले ही निकल चुके हैं क्योंकि दूर काफ़ी दूर है हमारा गांव यहाँ से, और हमें जल्दी पहुँचना है और बारात की स्वागत के लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए हम पहले ही निकल गए थोड़ा। और यहाँ से देखिए हम वापस की ओर जा रहे हैं और शायद बारिश भी हो सकती है, और ये नदी जो कि आगे जाके नयार में मिलती है, और ये जो नयार है दोनों नयार जो कि आपको मैंने त्रिपालीसैंण के ब्लॉक में दिखाया था और बिरूखाल के ब्लॉक में, दोनों मिलती हैं सतपुली में, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और आसमान तो अभी साफ़ है बट बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है, पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। और कभी भी आप उत्तराखंड वगैरह आते हैं, हिमाचल जाते हैं, वहाँ पे पहाड़ी शादी का अनुभव लीजिए, आपको लाइफ टाइम तक ये याद रहेगा। सीरियसली जो प्यार और मोहब्बत से वो मतलब खिलाते हैं और जो आदर सत्कार करते हैं, सीरियसली प्रशंसनीय योग्य है, बहुत ही सुंदर। सबकी अलग मंजिलें थी, सबके अलग रास्ते, एक आवारा फिरे हम दर बदर।